नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के आज के लेक्चर नंबर सेकेंड में अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एग्जिस्टेंस को लेकर। कल अपन ने यह बताया था कि जो आपके पास में जनरली जो साइन या कॉस या टेन जो भी आपके पास में सर्कुलर फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होते, उनको अपन को बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है। और अपन ने बाइजेक्टिव कल बनाया था किसकी सहायता से, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, डोमेन को परिसीमित या प्रतिबंधित करके। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे साइन और कॉस फंक्शन को लेकर कि उनकी डोमेन को अपन किस प्रकार रेस्ट्रिक्ट करें ताकि वो बाइजेक्टिव बन जाए और उसका फिर इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन एक्स फंक्शन को लेकर। ठीक बात, तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपके पास में साइन एक्स। अब मेरी बात सुनिए, साइन एक्स फंक्शन इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। जनरली बात करें यदि तो साइन एक्स सच द सेट ऑफ रियल नंबर से इसका जो परिसर होता है, रेंज होती है, वो माइनस वन से वन तक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपको ये भी 11th क्लास में बताया होगा यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू तो लेते हैं अपन 0, पाई, पाई पाई 2, 3 पाई पाई 2, फिर यहाँ रियल नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको बताया होगा कि आपके पास में जो एंगल को मापने के लिए एक डिग्री और एक रेडियन यूज करते हैं, और पाई पाई 2 ये सब रेडियन की वैल्यू है और ये सब सेट ऑफ रियल नंबर को लाइज करती है, सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल होती है यूनिट रेडियस के सर्कल में। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में डिस्कस कर रखा है कि ये कहां से आता है, इसका आपने कर्व बनाया था और इसका डोमेन और को डोमेन निकाला था और रेंज भी निकाली थी। ठीक है, तो ये तो आपका 11th क्लास का है। अब यहां पर अपन को ये देखना है कि यदि मैं साइन का कर्व बनाऊं तो साइन का कर्व कुछ किस प्रकार बनता था आपके पास में, देखिए अपन यहां बना लेते हैं। ये आपके पास में साइन का कर्व, ठीक है, ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू आपके पास में पाई बाई टू है, ये वैल्यू आपके पास में पाई है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में थ्री पाई बाई टू है, ये वैल्यू आपके पास में टू पाई, इसी प्रकार ये वैल्यू आपके पास है माइनस पाई बाई टू, ठीक बात, ये वैल्यू आपके पास है माइनस का पाई है, इसी प्रकार ये माइनस का थ्री पाई बाई, समझ गए बात, ये वैल्यू आपके पास में क्या है वन है और ये वैल्यू आपके पास में है माइनस का वन, ये साइन एक्स का कर्व है। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि इसका डोमेन है वो आपके पास में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर जो कि आपके पास माइनस पाई पाई माइनस पाई पाई टू जीरो पाई पाई टू थ्री पाई पाई टू, ये इसके डोमेन है और इसको अपन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो रेस्ट्रिक्ट अपन अगर किस एरिया में किया था जहां पर एफ ऑफ एक्स की कोई ऐसी दो वैल्यू इक्वल आने पर एक्स भी इक्वल आ जाए, ठीक है, और या फिर ऐसी कोई एक्स की फंक्शन की साइन एक्स की दो वैल्यू ऐसी नहीं हो जिस पर साइन की दो वैल्यू बराबर हो लेकिन वो जिस पॉइंट पर बराबर हो वो दोनों पॉइंट बराबर नहीं हो। तो देखिए मैंने कहा था कल ये यहां पर आपके पास में पाई बाई टू लाइज करता है और ये है माइनस पाई बाई टू, ये इसके जो बीच का एरिया है इस पर कोई भी आपके पास में फंक्शन की अलग अलग दो पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई दो पॉइंट नहीं है जिस पर साइन की वैल्यू बराबर है, ठीक है, ये आपके पास में वन से लगाकर माइनस वन रेंज वही रहने वाली है साइन की, लेकिन इसका डोमेन को मैंने क्या किया है रेस्ट्रिक्ट किया है, आपके पास में प्रतिबंधित किया है। और इस एरिया क्यों लिया, आप कहते सर यहां जीरो से पाई ले लेते, अरे भाई पाई लेता तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वही इस पॉइंट पर वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की, लेकिन इसको मैं ये एक्स अक्ष पर मिलाता हूं तो एक्स वन और एक्स टू दोनों अलग अलग आएंगे, तो इसलिए ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपके पास में जो साइन का डोमेन है वो कहां से कहां आ गया, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, जिस पर ऐसे कोई दो ऐसे पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सेम है,
प्रत्येक एक्स के पॉइंट पर यहां से लगाकर यहां तक ये जो डोमेन है इसमें एक्स के प्रत्येक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, कर्व लगातार आपके पास में यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आपके पास में साइन ने ले ली, तो अपन ने जो रेस्ट्रिक्ट किया है फंक्शन को वो रेस्ट्रिक्ट को इस प्रकार हो गया साइन एक्स सच दैट डोमेन क्या हो गया भाई माइनस पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू, और रेंज क्या हो गई या माइनस वन से वन तक ही है तो आपके पास में रेंज तो हो ही रहेगी, लेकिन मैंने डोमेन को अब मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा तो अपना डोमेन यही रहेगा, ये मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक बात। अब यदि आप इस कर्व को अलग से बनाने जाओ तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाओगे, ऐसे ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में यहां पर आपके पास में वन है, ये आपके पास में यहां पर माइनस वन है, ठीक है। इस पॉइंट को यदि मैं यहां मिलाता हूं तो ये है पाई बाई टू, और यदि अपन इस पॉइंट को यहां मिलाते हैं तो ये पॉइंट है आपके पास में माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। अब इस पर x की ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो, प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, यहां पर इसकी वैल्यू ये आ रही है, यहां पर ये आ रही है, यहां पर ये आ रही है, यहां पर ये, यहां पर ये आ रही है, यहां पर ये, सबकी अलग अलग आ रही है। तो इसका हो गया डोमेन और कोडोमेन। ये किसका कर्व है, ये कर्व है वाई इक्वल टू आपके पास में साइन एक्स का, और ये रेस्ट्रिक्टेड कर्व है, ये भी वाई इक्वल टू साइन एक्स का है, लेकिन मैंने डोमेन को क्या किया है रेस्ट्रिक्ट किया है। अब ये फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। तो ये आपके पास में x और x डैश था, ये y और ये y डैश था, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपके पास में क्या आ गया sin x का बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव 1 1 भी है और ऑड टू भी है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो साइन एक्स सच दैट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। अब अपन इसको कैसे सेट करते हैं, लिखिए, तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूं कि ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव होने के लिए पहले तो एक डेफिनेशन लिख लो कि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है। तो एफ सच दैट यदि कोई फंक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स बराबर वाई कोई वैल्यू दे रहा, जैसे आपके पास में साइन एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, एंड f इज बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, एक फंक्शन है वो x से y में इस प्रकार परिभाषित हो रहा है कि वो फंक्शन एक के भी अचातक हो या अंतरसेप भी हो या 1 1 ऑन 2 हो, देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन, तब एक फंक्शन आपके पास में विद्यमान होगा, तब एक फंक्शन विद्यमान होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन जो कि आपके पास में g है वो y टू x में परिभाषित होगा, ये x टू y है तो वापस वो उल्टा होगा क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, g सच दैट y टू x सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x, फिर अपन x और y को रिप्लेस किया करते थे तो g ऑफ y इक्वल टू, उस केस में g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f, ठीक है, या फिर g इज कॉल्ड f इनवर्स, ठीक है। तो ये है आपके पास में इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए इसमें x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से अपन ने रेस्ट्रिक्ट करके क्या कर दिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कर दिया, और y क्या है जो उसकी रेंज है, और साइन ऑफ x इक्वल टू y आ गया, ठीक है, और f इज बाइजेक्टिव, तो इस डोमेन के अंतर्गत बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव यहां पर है फंक्शन, then there exists a function जो कि इनवर्स होगा वो आपके पास में यहां से यहां परिभाषित होगा क्योंकि ये y है ये x है तो y to x में परिभाषित होगा, और sin inverse y equals to x, उस केस में sin inverse आपके पास में sin का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो पहले इस डेफिनेशन को लिख लीजिए ताकि मैं इसको साफ कर सकूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते बात करते हैं, तो मैं यहां पे इसको लेके बात करूं यदि ये आपके पास में आ गया एंड सच
साइन सच दैट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एंड साइन एक्स इज बाइजेक्टिव। अब भाई ध्यान रखना बाइजेक्टिव किस रेंज के अंतर्गत है, इस डोमेन के अंतर्गत। ये तो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए लिखा है। सच दैट साइन एक्स इक्वल टू वाई एंड साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। तो अब आपके पास में एक फंक्शन आपके पास में विद्यमान होगा, वो क्या विद्यमान होगा, वो होगा आपके पास में g, जिसको अपन कहते हैं साइन इनवर्स, सच दैट y टू x। अब y इसमें क्या है, ये है, तो ये इसका आपके पास में इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, जो आपके पास में साइन का रेंज थी वो रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन आपके पास में को डोमेन बन से माइनस पाई पाई टू जो कि x आपके पास में है, ठीक है। सच दैट साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तब आपके पास में क्या हो गया, साइन x इक्वल टू यहां y था, तो उस केस में साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक बात। तो ये आपके पास में है, ये इसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है, ठीक है किसका। अब मेरी बात सुनिए, एक बात नोट डाल के लिख लो, इसको अपन इनवर्स ऑफ साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ साइन बोल सकते हैं, या फिर आर्क फंक्शन ऑफ साइन, या फिर आपके पास में साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास में साइन इनवर्स एक्स है वो नॉट इक्वल टू होता है साइन एक्स की पावर माइनस, या इसकी ये घात है, लेकिन या ये माइनस वन इसकी पावर नहीं है, ये इसके इनवर्स को बता रहा है, तो ये आपके पास में इसके बराबर करते भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स, और ये इसके कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये आप लिख लीजिए ताकि मैं इसको साफ कर लू, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपके पास में आ गया, और इस केस में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, ये आपके पास में कह रहा है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, ये डोमेन है और ये रेंज है, और इस रेंज को प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन इसको रेस्ट्रिक्ट करके अपन एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट की, ठीक है, बाद में और भी बताऊंगा जब इसकी टेबल बनाऊंगा तब। अब मुझे ये जो कर्व था इसका इनवर्स का कर्व कैसे आएगा भाई, आपके पास में ये तो अपन ने कह दिया, तो इनवर्स का कर्व बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो करो आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन का है उसके एक्सिस को कन्वर्ट कर दो, एक्स एक्सिस को वाई एक्स बना लो और वाई को एक्स, क्योंकि ऐसा ही हुआ है, पहले साइन है वो यहां से यहां परिभाषित हो रहा है, तो साइन इनवर्स वापस इससे इसमें परिभाषित हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, तो देखिए इसका यदि अपन कर्व बनाए तो कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा मैं यही बना लेता हूं। अब ये x एक्सिस आपको यही मानना है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले भी चेंज किया करता था। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर पहले ये माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू आता था, अब इसमें x इसको मानेंगे इसको y मानेंगे, ध्यान रखना इनवर्स डेफिनेशन में, अब ये जो एक्सिस जरूर नहीं है कि x है, लेकिन ये जो एक्सिस है वो इस पर रिप्रेजेंट होगी और ये वैल्यू है वो इस पर एक्सिस होगी, मतलब भुज और कोटि पर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन से वन तक, माइनस वन यहां पर होगा, ये माइनस वन, ठीक है, और ये है आपके पास में वन, ठीक बात, ये वैल्यू है। अब आपके पास में बताओ साइन इनवर्स कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा या तो चेयर की टेबल बना लो और नहीं तो साइन का कर्व है उसका उल्टा कर लो। तो अब देखिए साइन इनवर्स यदि मैं वन रखता हूं तो उस पर वैल्यू इसकी क्या है, पाई बाई टू है, तो ये आ गया आपके पास में पाई बाई टू, ये हो गया माइनस का पाई बाई टू, क्योंकि इसकी आपके पास में रेंज कहां है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही है, और पाई बाई टू वैल्यू कब है, जब आपके पास में वन है, ठीक है, और धीरे धीरे आपके पास में साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है और माइनस वन पर आपके पास में वैल्यू ये है, तो ये ऐसे कुछ करवाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपके पास में है ये ऐसे, ठीक बात,
ये है आपके पास में इस का कर। अब मेरी बात सुनिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो कर्व है ये आपके पास में किसका है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। ये रेस्ट्रिक्टेड कर्व है और आपके पास में एग्जैक्ट कर्व है। ये ग्राफ है आपके पास में वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, जस्ट उल्टा क्यों हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि आप इसको ऐसा करते हैं, ये जो कर्व है इस कर्व को मैं एक्स एक्सिस को ये बढ़ा लू और वाई एक्सिस को ये बढ़ा लेता हूं, तो आपके पास में क्या कर्व आएगा भाई, आपके पास में इसको अपन घुमाएंगे तो ऐसे ही आएगा, तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये नेगेटिव एक्सिस है आपके पास में, वो पॉजिटिव बढ़ जाएगी और पॉजिटिव है वो नेगेटिव बढ़ जाएगी। और यदि इसका टोटली आप ग्राफ बनाने जाओ, कभी कभी क्या है उसका कोण तक पूछ लेना जरूर नहीं है छोटा, तो आपको कोण तक यदि ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कुछ किस प्रकार आएगा। ठीक है, ये आपके पास में किसका कर्व है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1.0 और ये वैल्यू आपके पास में क्या है, -1.0। अब ये आपके पास में कर्व मैंने टेबल को देख के बनाया, इसमें एग्जिस्ट करे या नहीं करे अपन को नहीं देखना है। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 5/2 पाइप, ये आपके पास में 3π/2, ये आपके पास में 2π, इसी प्रकार ये आपके पास में -π/2 और ये आपके पास में माइनस का पाइप और ये आपके पास में माइनस का 3π/2 और ये आपके पास में माइनस का 2π। ठीक है, तो ये आपके पास में y इक्वल टू साइन x का टोटली कर्व है, लेकिन आपको एग्जाम में हालांकि कर्व बहुत कम पूछते हैं लेकिन आपको टोटली कर्व पता होना चाहिए। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो आपके पास में कर्व है वो सिर्फ इतना ही कर्व बढ़ेगा, क्योंकि अपनी डोमेन कहां है आपके पास है भाई, डोमेन -1 से 1 है तो -1 से 1 आपके पास में x एक्सिस पर, और रेंज -π/2 से π/2 तक ये, तो π/2 से लगाकर -π/2 तक ये तो आपके पास में कर्व आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में कर्व था। अब आपके पास में ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसका जो मोड़ है वो ऐसे जा रहा था लेकिन यहाँ पर ऐसे जाएगा क्योंकि वापस कर्व आगे ऐसे मुड़ेगा। ठीक, तो ये था आपके पास में साइन इनवर्स का कर्व। इसी प्रकार अपन अभी डिस्कस करेंगे बाद में कॉस इनवर्स का, तो पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि कर्व याद नहीं रहता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर लो, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। अब अपन बात करेंगे कोसाइन फंक्शन की। ठीक है, इसको अपन सेकेंड फंक्शन कहेंगे, क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ कॉस या आर्क कॉस फंक्शन। अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, आर कॉस फंक्शन, या फिर अपन लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स। ठीक है, अब मेरी बात, कॉस की रेंज क्या, डोमेन क्या होता है भाई, जो कॉस एक्स होता है वो कहां से कहां परिभाषित होता है, सेट ऑफ रियल नंबर से, वही आपके पास है -1.1 तक। और अब इसके अपन को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसका जनरली कर्व बढ़ाता हूं फिर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। तो देखिए इसका कर्व कुछ इस प्रकार होता है, ठीक बात, कॉस 0 पर वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये आपके पास में कॉस का कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, ये वैल्यू 0 है, ये π/2 है, ये वैल्यू आपके पास में पाई है, ये वैल्यू आपके पास में 3π/2 है,
ये वैल्यू आपके पास में 2π है। इसी प्रकार ये वैल्यू आपके पास है -π/2 है, ये वैल्यू आपके पास है -π है, ये वैल्यू आपके पास है -π/3 है, और ये वैल्यू आपके पास है -π/2। तो ये cos का कर्व होता है। अब इसमें अपन डोमेन को किस प्रकार रेस्ट्रिक्ट करें ताकि कोई भी x की 2 वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हो, मतलब वो अपन 1-1 बढ़ा दे, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट होता है अपन को 1-1 बढ़ाना, तो ये y = cos x का है। तो मैं इसको डोमेन को इस प्रकार रेस्ट्रिक्ट करता हूं, कहां से कहां तक, देखिए यदि मैं यहां से लेकर यहां तक लूंगा ये 2 पॉइंट पर सेम है, x अलग है, देखिए तो मैंने कल भी कहा था अपन को कहां से कहां लेना है, ये यहां से लेके आपको ये कर्व लेना है। हमेशा ध्यान रखना एक मोड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, एक नेगेटिव x अक्ष के, ठीक है, एक x अक्ष के ऊपर और एक x अक्ष के नीचे, ताकि आपके पास में करो में कभी भी मिस्टेक नहीं हो, कि साइन और कॉस की बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें भी अपन ने -π/2 से π/2 लिया था, और इसमें लेंगे अपन यहां से लेके करो की बात करेंगे यहां तक, ठीक है, इसको मैं अलग करो बनाऊ विधि, तो ये कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ कर्व इस प्रकार बनेगा। एक बात, ये आपके पास में वैल्यू है 1, ये वैल्यू है आपके पास में है -1, ठीक है, ये 0 है, और ये वैल्यू आपके पास में 5/2 है, और ये वैल्यू आपके पास में 5 है, तो ये आपके पास में ये एरिया आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट डोमेन क्या हो गया भाई, रेस्ट्रिक्ट डोमेन हो गया cos such that 0 से पाई, अरे भाई x का मान कहां से कहां हो रहा है, 0 से पाई तक जा रहा है कि जा रहा है, यहां से यहां तक तो जा रहा है, ठीक है, इस पर x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, से -1 से लगाकर 1 तक, ठीक है, सच दैट cos ऑफ x इक्वल टू y एंड cos ऑफ x इज बाइजेक्टिव इन, किस इंटरवल में, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं 0 से पाई में cos x है बाइजेक्टिव, क्योंकि 1-1 भी है 1-2 भी है, यहां से x की ऐसी कोई 2 वैल्यू नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो, ठीक है, मतलब सेम हो, सब पॉइंट पर अलग हो, मतलब x का कोई भी मान रखो फंक्शन की वैल्यू हमेशा अलग आएगी, cos x इज बाइजेक्टिव देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन क्या इनवर्स करेगा आपके पास में, cos इनवर्स सच दैट, अब इसका डोमेन था वो रेंज बढ़ जाएगा, तो ये -1 से 1, साइन और cos का आपके पास में देखिए इनवर्स का सेम रहेगा, लेकिन परिसर चेंज रहेगा, ये 0 से 5 हो जाएगा, मैंने कहा था इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ये हो गया सच दैट कि जो साइन इनवर्स वाई है वो आपके पास में एक्स हो गया, ठीक, तो ये सॉरी कॉस 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 आपके पास में गलत लिख रहे हैं अपन, या कॉस की बात हो रही है, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो इसका डोमेन क्या आ गया भाई -1 से 1, साइन का भी ये था इनवर्स का, इसको इनवर्स ऑफ कॉस या इनवर्स ऑफ साइन, उसका जो रेंज थी प्रिंसिपल रेंज वो -π/2 से π/2 इसकी थी 0 से π, अब इसका यदि अपन कर्व बनाने जाए तो कर्व देखिए आपके पास में कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक बात, क्या रेंज, अब डोमेन ये हो गया, तो डोमेन इस पर लाइज करेगा -1 से 1, अब ये है पॉइंट कोई मान लीजिए आपके पास में 1, ठीक है, ये आपके पास में कोई -1, ठीक बात, अब एक बात सुनो, एक्स वाई का मान आपके पास में 0 से पाई,
अब इसमें आपके पास में यह आ रहा है, अब जीरो से पाई का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास में y का मान ये जीरो है और पाई अपने ऊपर साइड में क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, ये जीरो और ये हो गया आपके पास में पाई, ठीक है। तो अब देखिए इसके फंक्शन को अपन को जस्ट उल्टा करना है और इसके बीच में ये है आपके पास में पाई पाई टू, ठीक है। अब मेरी बात कॉस इनवर्स में अपन यदि रखेंगे आपके पास है माइनस वन, तो माइनस वन किस पर वैल्यू आती है भाई आपके पास में, तो कॉस पाई पर वैल्यू आती है, तो कॉस पाई पर माइनस वन है, ठीक है। और ये आपके पास में कहां लाइज करेगा, ये पॉइंट यहां आएगा माइनस वन पर ये, ठीक है। पाई पर आपके पास में जीरो है और आपके पास में जब वैल्यू होगी एक्स का मान जीरो तब इसकी वैल्यू है वन, ठीक है। तो ये है आपके पास में इसका कर्व, तो किस प्रकार देखिए आपके पास में कर्व आएगा, ये कर्व कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। ये है आपके पास में y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का कर्व। अब आप यहां कहोगे सर यहां तो आपने cos inverse y equals to x लिखा, ये तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, लेकिन एक्सिस के अनुसार x एक्सिस को ले रहे हैं डोमेन को और y एक्सिस को ले रहे हैं, ये आपके पास में इसका कर्व है, ठीक है। अब आप चाहो तो आपके पास में ऐसे आगे ये बढ़ेगा वापस और ये भी आपके पास में ऐसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अपन को एक जनरली जो रेस्ट्रिक्ट आपके पास में डोमेन है वो ही आपके पास में लेना, सॉरी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये है आपके पास। देखिए जब आपके पास में जीरो है तो वन है, ये पाई बाई टू पे जीरो और ये आपके पास में आ गया, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पता है कि कॉस इनवर्स माइनस वन की वैल्यू आएगी पाई, कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू आएगी आपके पास में, सॉरी कॉस इनवर्स आपके पास में जीरो की वैल्यू क्या आएगी वन और कॉस इनवर्स पाई बाई टू की वैल्यू आएगी जीरो, ठीक है। तो cos इनवर्स माइनस वन पर वैल्यू पाई आ रही है, cos इनवर्स जीरो पर वैल्यू वन आ रही है और cos इनवर्स पाई बाई टू पर जब x का मान आपके पास में पाई बाई टू है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, अभी भी उल्टा लिख रहा हूं, यहां आएगा प्लस वन, ठीक है। तो ये cos इनवर्स जब प्लस वन होगा तो उस पर आपके पास में इसकी y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये आपके पास में y का मान जीरो है, ये वैल्यू आपके पास में पाई बाई टू है, तो जीरो पाई पाई टू और पाई, तो ये जीरो आपके पास में पाई और आपके पास में देखिए कॉस इनवर्स ये मैं क्या लिख रहा हूं आपके पास में, देखिए ये, ठीक है। और कॉस इनवर्स आपके पास में जब अपन ये रखेंगे कौन सी वैल्यू, ये जीरो, तब आपके पास में वैल्यू आएगी पाई पाई टू, तो कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू आपके पास में आएगी पाई पाई, तो ये है आपके पास में कॉस का फंक्शन। तो आप चाहो तो इस कर्व को ऐसे भी बढ़ा सकते हो, तो ये आपके पास में कर्व ऐसे जाएगा, आगे इस पूरे कर्व को कंप्लीट करें तो ये ऐसे ऐसे आएगा आपके पास में ऐसे और ये आपके पास में ऐसे जाएगा, ठीक बात। तो आप इस कर्व को पूरा भी कंप्लीट कर सकते हो इसको उल्टा घुमाकर, लेकिन अपन को एक जनरली रेस्ट्रिक्ट डोमेन की बात करनी थी और रेंज की। तो अब अपन यदि बात करें कॉस इनवर्स किस डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो माइनस वन से वन तक लेकर, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से पाई पाई होगी, किसकी इनवर्स की, लेकिन कॉस की जो आपके पास में रेस्ट्रिक्ट डोमेन है वो जीरो से पाई है और रेंज है माइनस वन से वन तक। तो ये था आज का अपना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के दो फंक्शन के ऊपर बात की, एक तो आपके इनवर्स ऑफ साइन और इनवर्स ऑफ कोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट के लेक्चर में अपन टेन और कॉट को लेंगे और उसके लेक्चर में अपन सेक और कोसेक को लेकर इसके कर्व और इसकी जो डोमेन और रेंज को खत्म करेंगे और उसके बाद में अपन वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे।